नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आया हूं। काफ़ी बच्चे जो है मुझसे फ़ोन करके बाकी और कई माध्यम से कांटेक्ट करके ये पूछ रहे हैं कि क्या जो UPPCS का ये सिलेबस चेंज का जो न्यूज़ चल रहा है आजकल, आपके फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, वो कितने प्रतिशत सत्य है। उसी के बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ कि क्या सिलेबस चेंज हो सकता है UPPCS 2022 के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो उस पर आयोग ने अपना खाका तैयार कर लिया है, उसी बारे पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या था, पिछला जो सिलेबस है, और चेंजेस क्या क्या होने हैं। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, सभी तक शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं खासकर PCS के फाउंडेशंस के लिए शुरुआत से ही, वो हमारे टीम के द्वारा परीक्षा प्लस के द्वारा GS फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको PCS RO ARO बाकी विभिन्न जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें GS का रोल ज़्यादा होता है, वो बेसिक से पूरा 1 ईयर का कोर्स है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है, जितना जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि वो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और डिस्काउंट प्राइसेस पे है, तो आप परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो न्यूज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि सिलेबस जो क्या न्यू सिलेबस होने वाला है, पहले पिछला सिलेबस पे हम बात करें तो जो आपके PCS प्री का था उसमें दो पेपर होते थे, ठीक है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। दो पेपर होते थे जिसमें आपका पहला पेपर होता था वो GS का होता था, ठीक है, और दूसरा जो पेपर होता था जिसे हम लोग CSET बोलते थे, ये क्वालिफाई होता था, सिर्फ इसे आपको क्वालिफाई करना होता था 33% मार्क्स लाकर, ठीक है। अब पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आता था और 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे। अब ये बात ये चल रही है इसके चेंजेस में कि जो CSET है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, पेपर सेकेंड को खत्म कर दिया जाए, सिर्फ एक पेपर कराया जाए, पेपर 1, ठीक है। और उसी पेपर 1 में जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट यहां बच्चों का लेते हैं उसके क्वेश्चंस 10-15-20 क्वेश्चन वो इसी में आपके 150 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया जाए। तो मतलब दूसरा पेपर हटाने की बात चल रही है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, चेंजेस जो हो रहे हैं इसी 150 क्वेश्चन में आपके एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है वो क्या कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, 10 से 15 जो भी क्वेश्चन लगे आयोग को उसके हिसाब से। तो ये ऑलमोस्ट आपका कैसा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट आपका जो RO ARO का एग्जाम होता है GS वाला पेपर, उस तरह हिंदी उसमें अलग होती है, उसे छोड़ दो, तो GS का पेपर जो हो जाएगा एक पेपर होगा, CSET को समाप्त करना है। मेंस में क्या बात चल रही है कि मेंस के लिए आयोग ने क्या खाका तैयार किया है, तो मेंस के लिए आयोग ने जो आपके बाकी सब कुछ सेम है, आपके जो पेपर होते हैं हिंदी ऐसे ये सब होगा ही होगा, जनरल स्टडी के आपके चारों पेपर जो होते हैं वो भी होगा, क्योंकि GS आप जनरल स्टडी में आप पूरे पेपर को पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, IR हो, साइबर सिक्योरिटी हो, साइंस एंड टेक हो, जितने भी पोर्शन हैं आप सभी कवर करते हैं GS के चारों पेपर के माध्यम से। जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, यहाँ पर बच्चे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते थे, चाहे जो हिस्ट्री में हो जिनका, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, उसके बाद से जो कुछ फिजिक्स लेते थे, केमिस्ट्री लेते थे, तो जो जैसा भी सब्जेक्ट लेता था उसको आयोग ने कहा है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 7 नंबर में जो पेपर है ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर यहां पर कंपलसरी सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए, और कंपलसरी सब्जेक्ट कौन सा होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होगा यूपी स्पेशल। ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2, तो वो बोला गया कंपलसरी सब्जेक्ट एक जोड़ा जाएगा जो क्या होगा, यूपी स्पेशल के नाम से होगा, इसी के 2 पेपर कराए जाएंगे। आयोग की मंशा ये है कि ऐसा करने का, देखो दो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं ये यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से रिलेटेड चीज़ें बच्चों को ज़्यादा आनी चाहिए, और ख़ासकर बाहरी जो बच्चे थे उनका जो एक तरह से बोला जाए UPPCS की तरफ झुकाव ज़्यादा था, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बाहरी कैंडिडेट सबके लिए ओपन है, तो उनके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब UPSC वाले जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए यूपी स्पेशल एक बड़ा टास्क हो जाएगा अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाता है। तो आयोग ने क्या किया है, पूरा एक सिलेबस का खाका तैयार करके शासन को भेज दिया है, और इतना चांसेस हैं, अभी तक तो अभी कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि ये 2022 के लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन शासन के पास चला गया है, अगर शासन इस पर मोहर लगा देता है तो ये 2022 के लिए आपका नया सिलेबस, नया ट्रेंड निकल आएगा। लेकिन अभी तक कोई इस पर कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है, तो अभी आप जिस भी सिलेबस पर प्रिपरेशन कर रहे हो करो, क्योंकि अभी आप
जीएस पेपर वन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो आपका सेम रहने वाला है, उसका सिलेबस सेम होने वाला है, मेंस में भी पूरा ये सेम है, बस ऑप्शनल चेंजेस होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, तब तक आपको आयोग के जो शासन है वो बता देगा कि क्या सिलेबस ये रहेगा अगले एग्जाम के लिए या चेंजेस होंगे। जो भी और दिक्कतें आपको आ रही हैं वो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूछ सकते हैं, टीम आपको पूरी मदद करेगी। जाते जाते बस यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी जो है जोर शोर से लगे रहिए। अगर आप पीसीएस का ड्रीम रखते हैं तो आज ही से, क्योंकि वो एक ऐसा ड्रीम है जिसके लिए आप कम से कम 1.5 से 2 साल का अगर आप मेहनत करते हैं तो जाके वो सक्सेस होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।